हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इटली एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवलर। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुझे ये वीडियो शेयर करने का आइडिया आया क्योंकि जब हम लोग इटली ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोग फुल ऑफ कॉशंस थे कि वहाँ पे चीज़ें कैसे रहेंगी और हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो मुझे लगा कि अगर आप लोग भी इटली का प्लान कर रहे हैं या फिर प्लान करेंगे तो होपफुली मेरा ये वीडियो आपके कुछ काम आ जाए, क्योंकि मैं इसमें अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कैसे हम लोगों ने वहाँ पे मैनेज किया और कैसे सब चीज़ें थी। तो मैंने अपने सब पॉइंट्स जो डाउन किए हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी वेदर की। तो हम लोगों ने अगस्त लास्ट में ट्रैवल किया था तो बहुत ज़्यादा हॉट था, और आई डोंट नो कि हम लोग यूके वेदर के हैबिचुअल हो गए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्या रीज़न था, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सितंबर या फिर अक्टूबर में प्लान करें तो वेदर वुड बी गुड। उसके बाद मैं बात करूँगी क्राउड की। तो क्राउडेड था, ऑब्वियसली बात है, टूरिस्ट प्लेस है तो क्राउडेड रहेगा। और हम लोगों के गाइड ने बताया कि एवरी ईयर लाइक सिटीज़ में 7 मिलियन और कुछ सिटीज़ में 12 मिलियन लोग तक आते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पॉलिश्ड क्राउड था, कोई धक्का मुक्की नहीं, एकदम बढ़िया मज़ेदार, तो अच्छा लगा। उसके बाद मैं बात करूँगी ट्रैवलिंग की। तो हम लोगों ने जो वन सिटी से अदर सिटी ट्रैवल किया वो हम लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया, और ट्रेन हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कराई थी इटैलो। तो ट्रेन बहुत अच्छी थी, 300 किलोमीटर पर आवर से चलती थी और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। ट्रेन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का, और विद इन अ सिटी हम लोगों ने सब कुछ यूज़ किया, टैक्सी, ट्रेन, ट्राम, बस सब कुछ यूज़ किया और सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं बात करूँगी फूड की, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो फूड के ऑप्शन में अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं और अगर आपको पिज़्ज़ा पास्ता बहुत ज़्यादा खाना पसंद है तो पिज़्ज़ा और पास्ता के ऑप्शंस हैं। तो लाइक आपको दो तरह के पिज़्ज़ा मिल जाएंगे, मार्गरेटा और वेजिटेरियना, तो सीजनल वेजिटेबल्स रहेंगी तो वो सब उसमें डाल देंगे, और पास्ता में भी ऑप्शंस हैं। तो और इंडियन रेस्टोरेंट की मैं बात करूंगी कि अट्रैक्शंस पे हम लोगों ने कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं देखा। बाकी जहां हम लोग रहते थे, जहां हमारा अपार्टमेंट था, वहां पे आसपास कुछ इंडियन रेस्टोरेंट थे, और ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिले और हर सिटी में नहीं थे। मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी, तो अगर आप को ये सॉरी पिज़्ज़ा और पास्ता बहुत ज़्यादा खाना पसंद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और मैंने अपनी मील प्लानिंग की थी इटली के लिए तो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, होपफुली आपको कुछ हेल्प कर जाए क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फिर उसके बाद मैं बात करूंगी लेफ्ट लगेज की। तो लेफ्ट लगेज हर स्टेशन पे अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर बैग चार्ज होता है, और पर बैग आपका लाइक अप टू 6 or 7 यूरो है, और उसके बाद आप जितना छोड़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज होता है, और हर बैग का अलग चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी पैकिंग स्पेस सेविंग पैकिंग करें, क्योंकि उससे आपका मनी सेव होगा। तो मैंने अपनी जो पैकिंग है वो स्पेस सेव पैकिंग की थी, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ अपना एक ही बैग छोड़ा और हमारे काफ़ी मनी सेव हो गया। क्योंकि अगर हमारे पास 2-3 बैग होते तो हमारे 30 or 20 euro तो इसी में चले जाते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगी आपसे लाइक स्टोर्स। तो वहाँ पे ऐसे सुपर स्टोर्स आपको हर जगह नहीं देखने के लिए मिलेंगे, जैसे यूके में आपको सेंसबरी, टेस्को या फिर अदर सुपर स्टोर्स जगह जगह मिल जाते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं था। बाकी सिटी के अंदर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन आपको ऐसे अट्रैक्शंस पे स्टोर्स नहीं मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और रेस्टोरेंट में भी सामान अवेलेबल है लेकिन कॉस्टली मिलता है, क्योंकि स्टोर्स में आपको थोड़ा प्राइस कम मिल जाते हैं, और अट्रैक्शंस पे अगर रेस्टोरेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा कॉस्टली रहते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास आसपास कोई स्टोर है तो अगर आपके साथ बच्चा है तो आप जूसेस या फिर कुछ भी स्नैक्स वहाँ से थोड़ा अपने साथ कैरी करके चलें। बाकी ये है कि हम घूमने जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है खरीदते तो हम लोग सब कुछ है ही। और उसके बाद मैं बात करूंगी महंगाई की। ऑब्वियसली बात है कि कॉस्टली है, टूरिस्ट प्लेस है, लाइक अगर आपको किसी पास के स्टोर से चीज़ें 1 यूरो का अगर पानी है तो अट्रैक्शन पर वो 250 या ऐसे यूरो का मिलता है, तो पानी बहुत लगता है गर्मी में, तो हम लोगों ने काफ़ी पानी लिया, तो कॉस्टली आपको लगेगा। और
ऑब्वियसली बात होगा भी क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो फूड भी थोड़ा कॉस्टली है। उसके बाद मैं बात करूंगी बेबी चेंजिंग की। बेबी चेंजिंग के ऑप्शन नहीं थे ज़्यादा हम लोगों को, डायपर चेंज करने में अमित का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि हर जगह चेंजिंग यूनिट या फिर चेंजिंग का ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं थे। फिर मैं उसके बाद बात करूंगी लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा है क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको बात ही किससे करनी है, लेकिन हाँ आपको बात करनी पड़ती है जब आप कहीं भटक जाते हैं और थोड़ा सा आपको गूगल मैप भी प्रॉब्लम करता है तो आपको थोड़ा कुछ पूछने का जरूरत पड़ता है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा साइन लैंग्वेज में भी आप बात कर लें। तो वहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी हम लोगों को क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। फिर वहाँ पर सर्च करना पड़ता है कि कोई अपने जैसा बंदा दिख जाए जिससे हम लोग थोड़ा कुछ पूछ लें, एटलीस्ट इंग्लिश तो हमारी समझ ही लें, तो वो मुझे लगा। और उसके बाद मैं बात करूँगी आपसे फ़ोन कनेक्शन की। तो जैसे मेरा और सौरभ का फ़ोन कनेक्शन सेम था, लेकिन वहाँ पर जाके मेरा फ़ोन वर्क कर रहा था लेकिन सौरभ का फ़ोन वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने फ़ोन में कोई भी पैक पहले से ना डलाएं। वहाँ पर आप जाकर देखें कि अगर आपका फ़ोन कनेक्शन वर्क कर रहा है तो वाईफाई तो सब जगह अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप नेट पैक या फिर कुछ भी डला लें। नहीं तो वहाँ पर आप जाके क्या कर सकते हैं, हर रेलवे स्टेशन पर वोडाफोन के सेंटर हैं तो वहाँ पे जाके आप सिम ले सकते हैं। हम लोगों ने वोडाफोन लिया था और 20 यूरो में हम लोगों को मिल गया था, तो उससे हम लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग और बार्गेनिंग की बात करूंगी। हाँ, बार्गेनिंग है थोड़ा बहुत अट्रैक्शंस पे, अगर आपको कोई चीज़ लोकल स्टोर से अगर आप ले रहे हैं, लोकल चीज़ें हैं लाइक कोई आपको सोविनियर्स खरीदना है या फिर आपको कुछ भी पसंद आ गया तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है। तो आप शॉप्स में जाएंगे, काफ़ी जगह फिक्स प्राइस शॉप्स भी हैं जहाँ पर आपको कोई बार्गेनिंग नहीं है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग है। और उसके बाद मैं बात करूंगी होटल्स की। तो हम लोगों ने जो होटल और अपने अपार्टमेंट हैं वो एयरबीएनबी से बुक कराए थे, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा और अच्छा था हम लोगों का एक्सपीरियंस, मैं ये बोलूँगी आपसे। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी पिक पॉकेटर्स। हाँ, आपको बी अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होती है और सामान भी काफ़ी ज़्यादा उड़ जाता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी रोम का। तो रोम में हम लोग जब कोलोसियम से वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए बस लिया क्योंकि वहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स का ही बस का वे था, तो मैंने अपने बैग में थोड़ी चीज़ें रख ली थी कि मैं एक्चुअली नया बैग था मेरा, मैंने फ्लोरेंस से खरीदा था, तो मेरा मन किया कि मैं इसको ले लेती हूँ अपने साथ। तो सौरभ ने जबकि मुझे मना किया था कि जितना सामान कम हो उतना अच्छा है, हमें टेक केयर करना कम पड़ता है। मैंने कहा कि यार फैशन बैग है तो मैं ले लेती हूँ, तो उसमें हालांकि कुछ नहीं था, लेकिन जब हम लोग क्लोसन से वापस निकले तो मैंने उसमें बहुत सारी अपनी चीज़ें रख दी, लाइक मैंने हैट रख दिया था अपना जो आपने मेरा शॉपिंग हॉल में देखा होगा, मैंने अपने गॉगल्स रखे थे, मैंने अपना कुछ लिपस्टिक था वो मैंने रख दिया उसके अंदर। और उसके बाद मैं बस से उतरी तो, और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं अपना फ़ोन रखा लेकिन फ़ोन मैंने बैक पॉकेट में रखा, तो वो बच गया मेरा फ़ोन। तो जब हम लोग बस से उतरे तो मेरे बैग की दोनों चेन खुली हुई थी और मेरा सब सामान चला गया था। फिर मैंने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन मेरा सेफ था। तो आपको थोड़ा सा बिहेवियर रहना पड़ेगा वहाँ पे, पिक पॉकेट्स ऐसा सब चीज़ें होती हैं और आपका सामान चोरी होता है। और उसके बाद मैं मेरे सब ये तो कवर हो गए। उसके बाद मैं लोगों के एक्सपीरियंस की बात करूँगी। तो लोग अच्छे भी मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग रोम पहुँचे तो रोम में हम लोगों को कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि दो स्टेशन थे त्रिभुना और टर्मनी, तो हम लोग पहले त्रिभुना पर उतर गए क्योंकि हम लोगों को कन्फ्यूजन रहा कि क्या था, हम लोगों ने रोमा देखा और हम लोग उतर गए। फिर हम लोग वहाँ पे सर्च करने लगे कि अपने अपार्टमेंट का वे, हम लोगों ने ओनर को फ़ोन किया कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि उसने पूरा डायरेक्शन सब कुछ भेजा था, तो उन्होंने वही बोला कि आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपके लेफ्ट में टैक्सी स्टैंड है और बस तो डायरेक्ट है तो आपको मिल जाएगी। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर तो कुछ बस स्टैंड ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए, सर्च करने लगे और वहाँ पे एक दो लोगों से पूछा तो वहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा हेल्प नहीं किया लोगों ने, मैं आपसे बोलूँगी। फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन का बैक साइड गए कि हो सकता है कि हम लोग फ्रंट साइड पर हों और बैक साइड पर स्टेशन हो, तो हम लोग वहाँ पर गए और
सर्च करने लगे, वहाँ पर भी कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पर फिर क्या हुआ, दो बांग्लादेशी बॉय थे वो आ रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे पूछा, दे वर रियली वेरी हेल्पफुल, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि आप लोग गलत उतर गए हैं और आप लोगों को दूसरे स्टेशन पर जाना है, तो उन्होंने हमें बोला कि हम लोग भी वहीं पर ही घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सिटी हम लोगों ने अपना जो होटल है वो सिटी में ही बुक कराया था, तो आप लोग हमारे साथ चलो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, और पहले तो ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि हम अनजान पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो ऐसा कोई अनसेफ भी नहीं है, तो उन लड़कों ने हम लोगों का घर तक हेल्प किया, हम लोगों को वहां तक छोड़ा जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट था, चूंकि हम लोग लेट हो गए थे, घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 10:30 हो गया था, और थोड़ा सा ये कि सुनसान हो जाता है एरिया, तो ऐसा मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था, और उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रहना पड़ता है बिहेवियर लोगों से, लेकिन उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ काफ़ी अच्छा था, तो आप भी ऐसी मिस्टेक ना करें। और यहाँ पे मेरा सजेशन है, अगर आप वेनिस में जा रहे हैं तो आप स्ट्रोलर कैरी ना करें, क्योंकि आपको कैनाल क्रॉस करनी पड़ती है, तो स्ट्रोलर के साथ आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत जगह अनुवित सो रहा था तो उसकी हम लोगों ने प्रैम उठा उठा के क्रॉस किया, क्योंकि वेनिस में कैनाल्स ही हैं और आपको क्रॉस करना पड़ता है, तो ऐसा मतलब हम लोगों को लगा। और बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ शेयर करने वाला है, और हाँ मैं बोलूँगी कि जो अट्रैक्शंस हैं वो जब पीक टाइम रहता है तो कुछ अट्रैक्शन जो कि फ्री हैं वो भी थोड़ा पेड हो जाते हैं, और हाँ एक चीज़ और सजेस्ट करूंगी कि तो जैसे काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग किस सिटी में कितने डेज प्लान करें, क्योंकि हम लोगों को भी जाने से पहले ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, कोई हमें किसी ने बोला कि आप वेनिस में 3 डेज स्पेंड करो, किसी ने बोला फ्लोरेंस में 3 डेज स्पेंड करो, तो वो एक्चुअली सबकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि पूरा इटली एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वही सेम कैथेड्रल है, वही सेम कैसल है, लेकिन सबका आर्ट और सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों ने जिस सिटी में जितने डेज प्लान किए थे वो इनफ थे, उससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं लगा। आप मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स में या फिर जो आपने मेरे ब्लॉग देखा है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ज़्यादा दिन प्लान करने हैं तो आप कैप्री और अमल्फी, रियली वेरी ब्यूटीफुल है, आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को वहाँ पे। हम लोग एक दिन के लिए थे लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, अगर ज़्यादा दिन प्लान करते तो बहुत अच्छा रहता। तो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा और होपफुली आपको मेरा छोटा सा वीडियो थोड़ा कुछ हेल्प करे, तो मैं रियली आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अपना एक्सपीरियंस, और मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपना शॉपिंग भी शेयर करूंगी इटली का, मैंने क्या क्या किया, तो आपको वहां से भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपके अपना ब्लॉग यहीं पर ही फिनिश करूंगी, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।